इस अद्भुत खेल में हमारी छोटी सी टेनिस की गेंद विज्ञान और ग्रेविटी के सिद्धांतों को छोड़कर बहुत ऊपर चली जाती है, सुपर बाउंसी बॉल। चलिए देखते हैं इसके पीछे विज्ञान के कारणों को। इसके लिए चाहिए हमें अलग अलग प्रकार की गेंदें, एक टेनिस बॉल, एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल। और गेंदों को एक के ऊपर एक रखने के लिए हमने ये छल्ले बनाए हैं, रबर के छल्ले, और ये वॉल ट्यूब से बनाए हैं। जब हम इस गेंद को 4 फीट की ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो 2 फीट तक वापस आती है, यानी कि उसने अपनी आधी ऊर्जा जमीन से टकराने में खो दी, और उसकी गति 70% ही बचती है, क्योंकि 0.7 को अगर 0.7 से गुणा करें तो वो आधा होता है। और जब हम दो बॉलों को एक साथ रखकर छोड़ते हैं तो बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। सबसे पहले हमने फुटबॉल ली, उसके ऊपर ये रबर का रिंग रखा और उसके ऊपर छोटी बॉल रखी, और हमने इन गेंदों को ऐसे रखा ताकि उनके केंद्र एक सीधी लाइन में हों। हर गतिमान वस्तु का एक मोमेंटम होता है, उसका मास गुणा उसकी स्पीड, और जब भी दो चीज़ें टकराती हैं तो टकराने के पहले और बाद का मोमेंटम बराबर होता है। अब फुटबॉल टेनिस बॉल से 6 गुना भारी है तो उसका मोमेंटम 6 गुना ज़्यादा हुआ, और ज़मीन से टकराने के बाद फुटबॉल अपना आधा मोमेंटम टेनिस बॉल को दे देती है। इस कारण फुटबॉल 2 फीट से 1 फीट तक ही गई, क्योंकि टेनिस बॉल 6 गुना हल्की है और आधे मोमेंटम ट्रांसफर के कारण उसकी स्पीड 3 गुना बढ़ गई, और इसके कारण वो 9 गुना ऊपर गई, 2 फीट की जगह 2 गुणा 9 18 फीट। याद रखिए, जब गेंद की गति दुगनी होती है तो वो 4 गुना दूर जाती है। तो मजा लीजिए इस सुपर बाउंसी बॉल का।